सबसे पहले ये हमारा ऑटोडेस्क इन्वेंटर ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद हमें फाइल में जाना है। फाइल में, न्यू फाइल में जाएंगे। न्यू फाइल में जाने के बाद हमारे पास एक पॉपअप ओपन होगा। इस पॉपअप में हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, मेट्रिक पे क्लिक करना है, यहाँ स्टैंडर्ड एमएम और क्रिएट। इससे क्या होगा कि हमारा मिलीमीटर वाला टेम्पलेट ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें सारी ड्राइंग मिलीमीटर्स में होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। एक नया हमारा डैशबोर्ड खुलेगा, जिसके अंदर हम 2D स्केच ड्रॉ करेंगे। हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पर कहाँ जाएंगे, स्टार्ट 2D स्केच में हमने कौन सा प्लेन लिया, हमने लिया एक्स वाई प्लेन में हम लोग ड्रॉ करेंगे। और हम लोग क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं, उसको उस फिगर को हम लोग ले आते हैं यहाँ अपने डैशबोर्ड पे। इस फिगर को हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस फिगर को हमें ड्रॉ करना है, तो काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, अगर मैं देखूं तो ये एक सिमेट्रिकल पार्ट है। ठीक है, वर्टिकली सिमेट्रिकल भी है और हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिकल भी है। तो ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग पहले मिडिल से शुरुआत करते हैं कि मिडिल में जो सर्कल है, उसके बाद ये एक सर्कल है, एक और सर्कल है, और उसके बाद एक और है और एक और। ये जो चार सर्कल्स हैं, हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, इन सर्कल्स को ड्रॉ करना शुरू करते हैं, उसके बाद बाकी का हम लोग पार्ट बनाएंगे, देखते हैं कैसे हमें मूव करना है। तो हम सबसे पहले मिडिल पार्ट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं लाइंस ड्रॉ करूंगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे यहां पर दिख रहा है एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक इसी के परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन। ठीक है, यहां से अब हम लोग सर्कल ड्रॉ करना शुरू करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रेडियसेस दी हुई हैं। जो सबसे अंदर वाला है उसकी रेडियस 16 है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है उसका 21 है, 16, 21, 32 एंड 40। ठीक है, तो ये चार सर्कल हमें ड्रॉ करने हैं। सिक्सटीन, 21, 16, 21, 32 एंड 40, 32 एंड 40, ये हमने चार सर्कल्स ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। चार सर्कल्स ड्रॉ करने के बाद, अब ये जो मिडिल के दो हैं सर्कल्स, एक 32 वाला और एक 21 वाला, ये एक अलग शेप है। तो यहाँ पर हम लोग लाइंस ड्रॉ करते हैं। एक काम करते हैं, लाइन ड्रॉ करेंगे, एक वर्टिकल लाइन, दूसरी वर्टिकल लाइन। ठीक है, और इन दोनों वर्टिकल लाइंस के बीच में यहाँ डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 6। ठीक है, 6 मिलीमीटर। तो कोशिश करते हैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने की। शुरू करते हैं, यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, लाइन कमांड। इस वाले सर्कल पे वर्टिकल लाइन, जिसकी दूरी इन दोनों के बीच में कितनी दूरी हो, 3, तभी तो 6 होगा। 3 कर दिया मैंने। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो इसी को मिरर भी कर सकता हूँ,
मिरर कर लेता हूँ, इसी लाइन को मिरर करता हूँ इसके अबाउट, मिरर करता हूँ इस लाइन को, इस लाइन के अबाउट मिरर कर लिया, ये हमारा मिरर हो गया। ठीक है, डिस्टेंस भी देख लेते हैं, वैसे इसके और इसके बीच में 3 है। ठीक है 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन्हीं दोनों को हम लोग ट्रिम कर लेते हैं, थोड़ा उस शेप में ले आते हैं जिस शेप में हमें चाहिए। तो एक तो ये वाला पोर्शन हमने ट्रिम किया, एक ये वाला पोर्शन ट्रिम किया, ये और ये पोर्शन ट्रिम किया। ठीक है, और अब इसी को हम लोग पैटर्न कर देते हैं। पैटर्न कमांड यूज करते हैं, सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न हमने यूज किया इसको, और इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न कर देते हैं इस सर्कल के अबाउट 6 टाइम्स। ओके, तो कुछ ऐसी शेप आई। और फिर ट्रिम कमांड लेकर हम लोग ये पार्ट, 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 इन पार्ट्स को हमने ट्रिम कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा जो बीच वाला शेप था वो एग्जैक्टली आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद अब आगे देखते हैं क्या करना होगा। अपने फिगर में जाते हैं, देखते हैं फिगर क्या कहती है। ये देखिए बीच वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब ये 3 सर्कल्स मुझे दिख रहे हैं, 1 2 3, ये ब्लू सर्कल्स हैं 3। इन सर्कल्स को हम, मेरा फोकस रहेगा कि इनको ड्रॉ करते हैं, और यहाँ का जो लेफ्ट हैंड साइड का जो जो राइट हैंड साइड का जो कर्व है ये पूरा हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग मिरर कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी फिगर में। तो पहला, सबसे पहले हम इस ब्लू सर्कल को ड्रॉ करते हैं। इसका जो रेडियस है वो हमें यहाँ से मिलेगा, कितना है, 15 है। ठीक है, 15 रेडियस है और एक 21 रेडियस है। ठीक है, अब इस जो जो बीच वाला सेंटर है हमारा, उससे इसके सेंटर की दूरी है 60 वर्टिकली अपवर्ड, और हॉरिजॉन्टली ये 50 दूरी पे है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन भी पता है, रेडियस भी पता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो रेडियस और लोकेशन दोनों पता है, तो हम क्या करेंगे, सर्कल लेंगे। कितने का हमें ड्रॉ करना है पहले देख लेते हैं, 1 21 का और 1 51 का। तो यहाँ हम लोग गए, ये लिया 21 का मतलब 42, और 1 15 का यानी 30 ड्रॉ किया। इनकी दूरी कितनी है इसके सेंटर से, इसके सेंटर से, या ऐसे कर लेते हैं इस लाइन से भी, दूरी है 50 और इसकी दूरी है यहाँ से अपवर्ड 60, तो इसको मैंने चेंज कर लिया 50 और 60। ठीक है, रेडियस भी हमने सही कर ली, सेट कर ली। तो और देख लेते हैं, ठीक है बिल्कुल सही है, 50 एंड 60। एक सर्कल ये है 15 एंड 20 का, ठीक है 15 एंड 20 का। इसका सेंटर कितनी दूरी पे है उसको देख लेते हैं, इसका सेंटर इससे है 70, हॉरिजॉन्टली 70। ठीक है, सर्कल लिया मैंने, ड्रॉ किया 1 40 का और 1 30 का, 1 30 का ड्रॉ कर लिया। इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस सेलेक्ट करते हैं, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस है
के बीच की डिस्टेंस है, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस है 70, ये हमने सेट कर ली। ठीक है, ये सेट हो गई। उसके बाद जो तीसरा सर्कल है, जो तीसरा है ये 15 और 21 का ही है। ठीक है, यानी ये जो ऊपर वाला है और इसी का ये सेम टू सेम यही है, मिरर है इसका। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मिरर कर लेते हैं इसको, सर्कल को, इसको मिरर कर लेते हैं। मिरर में जाते हैं, इसको, इस सर्कल को एंटर दबाया, मिरर लाइन ये ले ली और अप्लाई किया और डन कर दिया। ये दोनों मिरर हैं। ठीक है, ये सर्कल बन गए तीन हमारे। अब देख लेते हैं आगे क्या है। अब ये लाइंस हैं, एक लाइन, ये दो लाइन, टेंजेंट लाइन है, टेंजेंशियल लाइन, और यहाँ पे एक सर्कल है जिसका रेडियस 20 है। ठीक है, इसका भी ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। ये लाइन ड्रॉ किया, इसके टेंजेंट, इसके टेंजेंट। ठीक है, एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ और यहाँ। अच्छा, टेंजेंट भी कर लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, इसको इससे और इसको इससे, टेंजेंट हो गया। अब एक सर्कल ड्रॉ करना है हमें यहाँ पे, 40 का ड्रॉ किया। इस सर्कल को हमें टेंजेंट करना है यहाँ पर इन दोनों से। ठीक है, टेंजेंट करते हैं इसको, टेंजेंट किया, इसको ट्रिम करते हैं, ट्रिम करते हैं, इसकी डायमेंशन को भी डिलीट करते हैं। ये हो गया हमारा। ठीक है, टेंजेंट है ये इसके साथ, वेरी गुड, टेंजेंट है। ठीक है, ये इसके साथ टेंजेंट है, किया। और इसको हम लोग मिरर कर लेते हैं इस साइड भी। इसको एंटर किया, मिरर लाइन को लिया, अप्लाई किया, डन किया। ठीक है, इस साइड भी हो गया हमारा। तो यहाँ तक की फिगर हमारी बनके तैयार हो गई, हाफ पोर्शन हमारा बनके तैयार हो गया। अब इसी को मिरर करेंगे, इस राइट पोर्शन को हम लोग मिरर करने जा रहे हैं। दोबारा से मिरर लिया, इसको 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 और इसको, इसको हम लोग मिरर करेंगे। ठीक है, किसके अबाउट? इस वर्टिकल लाइन के अबाउट। अप्लाई किया, डन किया, और ये देखिए मिरर हो गया पूरा का पूरा। अब कुछ पोर्शन हमें और ट्रिम करने थे, वो हम भूल गए थे, तो इसको हम बाद में और ट्रिम कर लेंगे फिगर को देख के कि कौन कौन से पोर्शन हमें ट्रिम करने हैं। इस वाले पोर्शन को ट्रिम कर दिया यहाँ से, इसको इसको और इसको ट्रिम कर दिया। ठीक है, बाकी सारे सेम है, बाकी हमारा फिगर बन के तैयार हो गया। ठीक है, दिस इज अवर फिगर। ठीक है, स्केप दबा दीजिए। स्केप दबाने के बाद अगर आपको कोई डायमेंशन दिखाना है तो हम यहाँ दिखा सकते हैं। इसका देखिए ये 20 है। ठीक है, इसका रेडियस दिखाना हो यहाँ दिखा सकते हैं आप, ऑलरेडी गिवन है। जो भी आपको दिखाना हो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है,